breaking news or the incident is currently under investigation at Biomaker. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अतीब आयोस। आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको आज जुमा मुबारक, और इसके साथ साथ आज मैं आया हूँ अपने दोस्त के पास। और तकरीबन हम लास्ट टाइम मिले थे 1.5 साल पहले मिले थे, और उसके बाद आज मुलाकात हुई है हमारी। तो एक ये है, ये हमारे नए भाई अब्दुल्ला भाई, और ये शहरयार खान जतोई साहब। और हमारे एक दोस्त के भाई की शादी है, तो अब हमने उधर जाना है। उससे पहले हम कटिंग वगैरह करवाएंगे, कटिंग वगैरह करा के तो कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। मैं और शहरी जाएंगे, जाके तो कटिंग वगैरह करवाते हैं, कटिंग वगैरह करवा के तो देखते हैं आज का क्या सीन है। रात को है मेहंदी, मेहंदी पे जाएंगे। तकरीबन 8-10 बजे का फंक्शन है, तो हम थोड़ा लेट ही जाएंगे। लड़के की मेहंदी है तो थोड़ा लेट हो जाएगा हमें। तो जाते हैं, देखते हैं आज का क्या सीन होने वाला है रात को। तो उससे पहले हाँ, ये भाई ने मुझे ना एक, ये यहाँ पे हमारा एक दरख्त है, आपको दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त दरख्त है। यहाँ पे हैप्पी क्रिसमस का एक ट्री लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का सजाया हुआ है। और ये मेरा दोस्त की सोसाइटी है, सोसाइटी में घर है अब्दुल्ला का। तो ये भाई का घर है पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, और घर के बिल्कुल सामने इन्होंने डेकोरेशन के लिए ये क्रिसमस का ट्री लगाया हुआ है। तो अब्दुल्ला भाई, आपने क्या सोच के लगाया हुआ है यार ये ट्री? यार ये लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। अच्छा, तो थोड़ी बहुत ही सजावट की है। थोड़ा सा ड्रेस बता दो व्यूवर्स को कि वो भी आ सकते हैं देखने। ये पोटैटो सोसाइटी है। ये भाई इसकी पोटैटो सोसाइटी, इसकी पोटैटो सोसाइटी है। और पोटैटो सोसाइटी के इसके घर के बिल्कुल सामने ये गार्डन है, गार्डन है। मैं आपको गार्डन में दिखाता हूँ, ये देखे। तो इसमें हर किस्म के मेवे और ये फलों फ्रूटों फलों की छिलके आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी किस्म का ना यहाँ से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अच्छा, तो यार बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके हुए हैं अपने, तो जाते हैं जरा कटिंग वटिंग करवाते हैं। चलें यार, चलें, बिल्कुल चलें। चलो आओ, चलाओ फिर बाइक। अच्छा, तो यार हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, अब हम खाने आए हैं नान टिक्की। तो अभी हम अपना वेट करवा के आए हैं, और मेरा था 51 kg और भाई का था 53 kg, और अब हम नान टिक्की खाने लगे हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा वेट बढ़ा है कि नहीं। तो उम्मीद तो करता हूँ बढ़ जाएगा हमारा। नान टिक्की कौन खिला रहा है, तुम खिला रहे? चलो ये देखें, ऐसे दोस्त होने चाहिए। मैंने नान टिक्की वगैरह खा ली है, और भाई अभी खा रहे हैं। तो अब नमाज वगैरह पढ़नी है, असल की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कटिंग वगैरह भी करवा, कटिंग करवाते हैं, फिर शादी का सीन बनाते हैं ना। अब हम कटिंग करवाने आए हैं, तो शहरी भाई की तरह कटिंग वटिंग करवाएंगे यहाँ से। तो यार मेरे ही होने वाली है, तो मैंने भी कटिंग करवानी है, कटिंग करवाते हैं। ये पुष्पा भाई है हमारे तो अभी कटिंग वटिंग करवाते हैं। तो नमाज पढ़नी है अभी, असर की नमाज पढ़ी है, पढ़ने वाली है। तो नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद फिर घर चलते हैं। तो जाके कपड़े वपड़े निकालते हैं ज़रा शादी के लिए, शादी पर जाना है आज। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। हाँ जी, तो यार सीन ये हुआ कि आपका भाई सो गया था, और कटिंग वगैरह करवा के आया हूँ, और शहरी भाई को घर छोड़ा, और आके मैं सो गया था। सो के तो मुझे याद ही नहीं, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तकरीबन मैंने जाना था 7 बजे, और 8:15 हो रहे हैं इस टाइम। तो मुझे मेरे दोस्त ने टाइम दिया था कि मैं 8 बजे तेरे घर आ जाऊँगा, और अभी 8:30 होने वाले हैं। तो वो कोई नहीं आया ना, वो कॉल अटेंड कर रहा है, और ना उसका कोई मैसेज वैसेज आया। तो मतलब कि वो गेड़ा करवा रहा है या आने वाला ही होगा। तो मैं सो गया था, सो के उठ के शावर वगैरह लिया, शावर वगैरह लेकर और मैंने कपड़े वगैरह पहने, पहले प्रेस किए फिर पहने। तो अब देखते हैं, आता है तो शादी पर चलते हैं, देखते हैं। लेट तो हो गए हैं, कोई मसला नहीं, वैसे भी बॉयज़ का फंक्शन है, लड़कों का फंक्शन है, ज़्यादा रात लेट तक ही चलता है। तो देखते हैं जाके ज़रा भी क्या सीन वगैरह उधर। 9 बजने वाले हैं, ठीक है, और आधा घंटा और मैंने वेट किया है, तो वो कोई नहीं आया। वो मुझे लगता है मुझे गेड़ा गुड़ा दे गया है मुझे। तो अभी तक तो वो कोई नहीं आया, उसने कहा था आ जाएगा 8 बजे आ जाएगा। 9 बजने वाले हैं, तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, फिर अकेले चले जाता हूँ। तो अगर आना हुआ उधर तो आ ही जाएगा शादी हॉल में, तो वहाँ पर आ जाएगा। तो वरना मैं तो जा रहा हूँ फिर पैदल ही चलता हूँ, तो साथ वाली गली में यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। तो मिलते हैं उसे वहाँ पर जाके, इधर शामिल वगैरह लगाते हैं वहाँ पर जाकर, उसकी टोई बांधना होंगी। चले मिलते हैं वहाँ पर जाके। यार मैं अभी इधर आया हूँ, ये हमारे मोहसिन भाई हैं, ये बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो मोहसिन भाई अभी तो इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यार, आपको दिखाते हैं। अभी तो सीन शुरू ही नहीं हुए, कहते हैं अभी तो काफ़ी देर है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ सारा सीन। हर शाम आँखों पर
लोग देख रहे हो अभी तो कोई बंदा ही नहीं है, तो मैं एक्चुअली अभी बोल बोल के ज़रा जल्दी आ गया हूँ, तो सही किया दोस्त अभी नहीं आया, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने नहीं दोस्त के जिसके घर शादी है गली में ही है, तो चले मोहसिन भाई ज़रा चले भाई उसे भी देखते हैं, उसे भी देखते हैं ज़रा क्या सीन, और तो ढोल वगैरह बज रहे हैं अभी शायद आ जाए भाई। हाँ चलो देखते हैं भाई। तो यार अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे वैसे ही गंदी आदत है टाइम पे आने की, हालांकि पता भी है शादियों पे ऐसा सीन होता है कि टाइम पे नहीं जाना चाहिए, टाइम के बाद ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं मैं आपको सही बात बताता हूँ कि मैं शादी पे नहीं अभी आया, तो अभी तो दोस्तों के साथ ही आऊँगा, यहाँ पे मैं राउंड लगाने आया था कि यार किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है दोस्त को, तो ज़रा राउंड वाउंड लगाएँ ज़रा कि चीज़ की ज़रूरत हो तो बंदा हेल्प कर ही देता है दोस्त की, तो अब घर चलता हूँ, अभी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर चलता हूँ अभी दोस्तों के साथ ही आऊँगा। अच्छा तो यार अभी घर आया हूँ, ठीक है राउंड शाउंड लगा के आया हूँ कि यार दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी, तो जब मैंने उसे पूछा कि भाई तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि भाई इतनी भाई मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, तो मैं चुप करके घर आ गया हूँ क्योंकि पैसों की ज़रूरत है उसे, तो मेरे पास भी नहीं है पैसे, इसलिए मैं चुप करके अब घर आ गया हूँ। दोस्त वगैरह आएंगे तो उनके साथ ही जाऊँगा शादी पे, उससे पहले नहीं जाना, ठीक है। लो जी हम पहुंच गए शादी वाले घर, ये देखे माशाल्लाह चोरी साहब, ये हमारे भाई हैं जिनके भाई की शादी है, चोरी शान साहब ये मेरे बचपन के दोस्त हैं यार, ये तकरीबन हम यही घर से इसी घर से हम इकट्ठे जाते होते थे स्कूल, और मैंने सामने गली में मेरा घर है, तो सामने सुबह 7 बजे मैंने इसके घर आके यहीं पे अक्सर नाश्ता इधर ही करते थे। अच्छा और नाश्ता वगैरह करके लेते हम इकट्ठे जाते होते थे, ठीक है स्कूल जाते होते थे, बड़ा मजा किया यार सारा बचपन ना इसी भाई के साथ गुजरा है हमारा, और ये इंशाल्लाह हमारे क्रिकेटर हैं, फ्यूचर क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से। तो यार जब पेट्रोल डलवाने आए हैं जरा पेट्रोल पंप पे, तो हसान साहब के साथ तो वहाँ जरा वहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया था, तो हाँ काफी पैसा हो गया Thank you.